राधे राधे बच्चों, पार्ट थ्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये इस चैप्टर की ह्यूमन आई की पार्ट थर्ड है, जिसमें कि हमारा टॉपिक है बेटा रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो सबसे पहले समझो बेटा प्रिज्म एक्चुअल में होता क्या है। तो प्रिज्म एक तरह से ट्राइंगुलर शेप की एक चीज होती है, जिसमें अगर आप लोग कोई व्हाइट लाइट डालते हो तो आपको 7 कलर मिलते हैं। क्लियर हो रही है? तो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है कि कहां पर इंसिडेंट रे हो रही है, कहां पर रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सी इमर्जेंट है। तो जरा ध्यान से देखना, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी कई बार आ चुकी है। इस प्रिज्म पर क्वेश्चन या तो केस बेस्ड स्टडी मिल जाती है, या तो एमसीक्यू मिल जाता है आपको, या सर्सर रीजनिंग मिल जाती है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, पी क्यू आर एक प्रिज्म है, जिसमें मान लो लेट सपोज इस पी पर थीटा है, तो ये थीटा जो होगा वो होता है बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या हो जाएगा बेटा? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब मैंने कोई एक रे इंसिडेंट करी इस प्रिज्म पर, जिसका नाम दिया मैंने ए बी। क्लियर हो गई? ए बी जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए बी जब जैसे ही जाएगी वो क्या होगी, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से एक चीज याद रखनी है, यदि यदि रेयर टू डेंसर कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही होती है, तो बेटा वो जाती है टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और अगर कोई लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होगा बेटा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बातें दोनों आपको बहुत ज्यादा अच्छे से रट लेनी है। क्लियर हो रही है? तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा, ये वाला जो स्पेस होगा, बाहर का जो स्पेस होगा वो एयर होगा, मतलब कि वो रेयर होगा। तो अगर रेयर से लाइट रे ट्रेवल करके कहाँ जा रही है बेटा? डेंसर, क्योंकि प्रिज्म क्या है, डेंस्ड है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर ना। ठीक है, तो वो क्या जाएगा, अंदर जब जाएगी लाइट रे तो नॉर्मल जो होता है बेटा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, नॉर्मल हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, किसी भी सरफेस के, तो मान लो ये सरफेस थी, इस पर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। क्लियर हो रही है बात? और आप देखोगे कि जैसे ही लाइट रे अंदर गई, ठीक है, प्रिज्म में, और वो क्या हो गई बेटा, रेयर से, ये मान लो क्या है, बाहर रेयर है और अंदर क्या है बेटा, डेंसर है। ठीक है, तो रेयर से जब डेंसर जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, वो लाइट रे क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, बैंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो ये जब ऐसे जा रही है तो थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी। क्लियर हो रही है यानी बात? ठीक है ना, अब ये क्या था, डेंसर था, और बाहर क्या है बेटा, रेयर है। तो क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि क्या होगा जब लाइट रे जो है ट्रेवल करेगी रेयर से डेंसर, तो आपको क्या लिखना है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, कंडेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हो गया? तो डेंसर से अब डेंसर में आ गई थी लाइट रे, अब वो कहां जाएगी बेटा, रेयर में जाएगी। तो जैसे ही वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलो नॉर्मल बना लेते हैं, तो नॉर्मल इस साइड के परपेंडिकुलर बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो जब मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो देखो यहाँ पर एंगल बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर एंगल बहुत कम हो रहा है, इसका मतलब ये दूर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हो रही है यानी बात? ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जो ए बी लाइन जो है बेटा वो क्या है, हमारी इंसिडेंट रे होगी। क्लियर हो गई है? जो बी सी है वो क्या है, रिफ्रैक्टेड होके आई है ना, तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। और जो सी डी होगी वो क्या होगी बेटा, इमर्जेंट रे होगी। तो इस ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई लाइट गई और बाहर आ गई, तो इसको वो क्या मान लेते हैं बेटा, रिफ्रैक्टेड रे मान लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। याद रह जाएगी यानी बात? क्लियर हो रही है जी? ठीक है, नाउ एम एम डैश और एम एम डैश मैंने क्या मान लिया था बेटा, नॉर्मल मान लिया था टू द प्रिज्म, नॉर्मल टू द प्रिज्म। और जो डी एंगल बनता है, ध्यान से देखना बेटा, एंगल डी जो बनेगा बेटा वो कहां पर बनेगा, पीछे की तरफ। और जो इंसिडेंट रे है अगर इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, और जो इमर्जेंट रे है उसको मैं पीछे बढ़ाता हूं, तो ये जो एंगल क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाली बात बताओ, याद रह जाएगी हमेशा। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहोगे तो इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन को करोगे तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, और
ये वाला जो एंगल है ये भी है क्या बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हुई? तो ये तो बेटा टॉपिक था आपका क्या बेटा, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो बेटा अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे 12th क्लास में जब आप फिजिक्स कर रहे होंगे, ठीक है, जो साइंस वाले बच्चे हैं। तो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। देखो, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट हो रही है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होगी, मतलब जहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जहां पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है वहां से रेयर मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तब ये चीज क्रिएट होती है। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सीड क्रिटिकल एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो एक्सीड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किससे बढ़ जाएगा बेटा, क्रिटिकल एंगल। अभी मैं बताऊंगा चिड़िया का नाम क्या है बेटा, क्रिटिकल एंगल क्या है, ठीक है। कॉमन द लाइट रिफ्लेक्ट इन डेंसर मीडियम, और जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी किसमें, डेंसर मीडियम में, इसी को ही हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ नेसेसरी कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए, शो करने के लिए कुछ नेसेसिटी है। क्या है नेसेसरी कंडीशन, क्या है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करनी चाहिए आपकी डेंसर से रेयर मीडियम में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, एक्सीड होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। द लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम, ठीक है। अब एक्चुअल में क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल समझो बेटा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज 90 डिग्री। कहने का क्या मतलब हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना उसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बन रहा होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आईसी। इसको डिनोट करते हैं बेटा हम किससे, आईसी से, और यही हमारा क्या होता है बेटा, क्रिटिकल एंगल होता है जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गई? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई डेफिनेशन क्या है या नेसेसरी कंडीशंस क्या है, तो वो आपको पता है। पहली क्या थी बेटा कि जो लाइट ट्रेवल है वो करनी चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम में, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एक्सीड होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ये वाली बात क्लियर हो रही है ना बेटा? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बेटा डिस्पर्जन क्या होता है। तो डिस्पर्जन जरा एक बार ध्यान से देख लो, और इससे आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे कि भाई डिस्पर्जन एक्चुअल में क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, जब कोई हमारे पास व्हाइट लाइट है, और व्हाइट लाइट को ही हम बोलते हैं बेटा क्या, सनलाइट। क्या बोलते हैं बेटा, जो सन से लाइट आ रही है दैट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट, ठीक है। जब कोई व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म से होकर जाती है, ध्यान से देखना बेटा क्या हो रही है बेटा, प्रिज्म से होकर जा रही होती है तो वो क्या करती है, 7 कलर शो करती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या करती है बेटा, 7 कलर शो कर रही होती है। और वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं जरा देख लो बेटा, विव, ग्यार, ठीक है, क्या हो जाएगा, वायलेट कलर, आई से क्या होता है बेटा, इंडिगो, बी से क्या हो जाएगा बेटा, ब्लू, जी से क्या हो जाएगा बेटा, ग्रीन, वाई से क्या हो जाएगा बेटा, येलो, ओ से क्या हो जाएगा बेटा, ऑरेंज, और आर से क्या हो जाएगा बेटा, रेड। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे क्रिएट होते हैं कि भाई आसमान जो है नीला क्यों दिखाई देता है, या रेड कलर ये हम डेंजर में क्यों यूज करते हैं। मैं आपको सीधा सीधा सिंपल एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, इन सबके आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो बेटा क्या है, ध्यान से देखना कि जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन होता है, क्या बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/2 में वेवलेंथ। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब वेवलेंथ क्या चीज आ गई, वेवलेंथ को बेटा हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। यदि कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, वैसे 11th क्लास में पढ़ोगे आप इसको, थोड़ा सा ये टॉपिक में हटके बता देता हूँ। अगर कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही होती है तो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, यस और नो,
और यहां से देखिए यहां तक की जो बीच की डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ. यस और नो? दोड़ा ये चीज हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए एक्चुअल में कि गहराई में क्या चीजें हैं. आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है ये चीजें, ठीक है? ये बाहर की चीजें हैं, ठीक है? ये आपको 11th में पढ़ने को मिलेंगी. जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम ट्रफ, ठीक है? तो ये क्या होती है हमारे पास वेवलेंथ होती है. यहां से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. क्या होता है बेटा? एम्पलीट्यूड. अब भाई बात यहाँ पर हमें ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये चीज, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के. दिस मींस क्या हुआ कि अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही होगी, तो जो डेविएशन हो रहा होगा वो क्या होगा बेटा? बहुत कम हो रहा होगा. ये वाली बात समझ में आई? तो यहाँ पर बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है आपको, क्या कि जो रेड है, रेड कलर जो होता है इज लीस्ट डेविएट. क्या होता है? तो रेड कलर होता है वो डेविएट कम होता है, फैलाव उसका बहुत कम होता है, जिसके कारण वो हमें साफ दिखाई दे जाता है. मेरी बात समझ में आती है अच्छे से? तो जो रेड कलर इज लीस्ट डेविएट और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो फिर क्या हो जाएगी? अगर क्या नाम है जो है लिस्ट डेविएट हो रही है तो उसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा? बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो वेव एंड वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज लार्जेस्ट. क्लियर हो रही है? तो जो रेड कलर है वो क्या होता है बेटा? कम डेविएट होता है, और कम डेविएट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? और वो हमें बिल्कुल आसानी से दिखाई देता है. इसी वजह से ही हम रेड कलर को जो है बेटा डेंजर में यूज करते हैं. Yes or no? अब बात कर लेते हैं वायलेट या इंडिगो ब्लू कलर की. तो ये जो कलर्स होते हैं ना, ये जो कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? बहुत ज्यादा डेविएट होते हैं, लार्ज डेविएशन शो करते हैं. और लार्ज डेविएशन शो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा घुल मिल जाती है ये. इसी वजह से क्या नाम है, जैसे ट्रेन जो होती है उसमें रेड कलर का यूज किया जाता है डेंजर के लिए, है ना, या स्टॉप करने के लिए, क्योंकि लाल कलर जो होता है बेटा आसपास की चीजों से जो है वो नहीं घुल मिल पाएगा, ठीक है, नहीं डेविएट हो पाएगा. इसलिए हम ये वाले कलर यूज ना करके रेड कलर का यूज करते हैं. क्लियर हो रही है ये चीजें, ठीक है? और अगर यही क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जो है जो आसमान है या जो स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, तो यही रीजन है कि ये बहुत ज्यादा डेविएट होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है बेटा वो क्या हो जाती है? बहुत कम होती है, जिसके कारण क्या होता है? बहुत ज्यादा डेविएट होता है. आप बस ये चीज याद कर लोगे तो उसके आधार पर कोई सभी क्वेश्चन कर सकते हो. क्लियर हो रही है ये चीज है? ये चीज आपके काम की नहीं थी लेकिन मैंने बता दी है, क्योंकि आगे काम आएंगे जब हम वेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर पूछ लिया जाता है कि डिस्पर्शन क्या होता है, तो डिस्पर्शन की हमारे पास क्या है कि अगर जैसे डेफिनेशन लिखना चाहोगे कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, तो वो क्या होगा? हमारा डिस्पर्शन होगा. क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये सारी चीजें थी. तो इस वीडियो में जो है पार्ट थर्ड में हम यहाँ तक ही कवर करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट फोर में, और आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो जो बच्चे मेरे साथ नोट्स बना रहे थे, मैं बेटा नोट्स के लिए भी बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एक चीज आपको लिखवाई है, एक एक चीज समझाई है. तो जो लोग मुझे यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं तो वो मेरे साथ साथ जो है चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलें. यहाँ तक वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. तो आप